जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, ठीक है। देखिए, इसके पहले हमने ये जाना है कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, ठीक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है और नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने बताया था कि नाउन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होती है काउंटेबल नाउन और एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह नाउन होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि देखिए, नाउन की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो नाउन की मुख्य परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, कार्य आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। और ये कितने प्रकार की हो जाएगी, दो प्रकार की। कौन कौन से, काउंटेबल और क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, वे संज्ञाएं जिनकी गणना की जा सके उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल। वे संज्ञाएं जिनकी गणना न की जा सके उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। यहाँ पे दो तीन बातें समझना। पहली चीज तो यह है, यहाँ पे बात करते हैं अगर नाउन के, तो मैंने बताया आपको कि कौन कौन सी नाउन हो जाएगी। एक तो हो जाएगी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरी कौन हो जाएगी, अनकाउंटेबल नाउन। एक हो जाएगी काउंटेबल नाउन और एक हो जाएगी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, देखिए यहाँ पे हम समझते हैं काउंटेबल नाउन के प्रकार। आज हम लोग जानेंगे किसके प्रकार के बारे में, काउंटेबल नाउन के प्रकार के बारे में जानेंगे, और साथ ही में ये भी जान लेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है प्रॉपर नाउन, एक कौन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और दूसरा होता है यहाँ पे जो है कि कॉमन नाउन, दूसरा कौन हो जाएगा, कॉमन नाउन, और तीसरे नंबर पर आता है जो है वो होता है कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगर बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो यह कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें होता है कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और एक कौन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है, ये टोटल हमारे पास नाउन होते हैं। कुल मिला के कितनी संज्ञाएं होती हैं, यहाँ पे पांच होती है। इसके अलावा एक और संज्ञा होती है और उसको कहते हैं हम लोग कंक्रीट नाउन। कौन सा नाउन कहते हैं सर, कंक्रीट नाउन कहते हैं। अब कंक्रीट नाउन क्या होता है इसके बारे में हम बाद में आप लोगों को बताएंगे, पहले इन सब को पढ़ लेते हैं फिर समझाएंगे कि एक्चुअली में कंक्रीट नाउन क्या है और उसको यहाँ पे क्यों नहीं रखा गया है, ठीक है। तो आप बस जानते रहें कि नहीं, एक इन सब के अलावा एक और संज्ञा होती है, उस संज्ञा का नाम है कंक्रीट नाउन, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में जान लेंगे, पहले यहाँ पे इतनी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में, काउंटेबल नाउन कितने प्रकार की हो जाएगी, तीन प्रकार की। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार। कौन से नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इन सब की हिंदी की बात करते हैं तो इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी हिंदी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसकी हिंदी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसकी अगर बात करते हैं तो इसका होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो इसका होता है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और इसकी हिंदी क्या होती है सर, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही एकदम अच्छी तरह से, कोई दिक्कत किसी को हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं ना हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये इतने प्रकार की होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो काउंटेबल नाउन को पूरा स्टडी करेंगे। जब पूरी तरह से काउंटेबल नाउन खत्म हो जाएगा तब हम लोग हेडिंग डालेंगे अनकाउंटेबल नाउन, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में, उसके बाद कंक्रीट नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नंबर और जेंडर ये चीज़ें आएंगी, सिंगुलर प्लूरल जो भी है, और मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर जो भी है ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या हेडिंग डालीजिए, काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, और ये डालकर ये पहले आप ये पूरा ग्राफ ही बना लें, ठीक है।
यहाँ पे है काइंड्स ऑफ नाउन, लिख लीजिएगा काइंड्स ऑफ नाउन हेडिंग, और उसमें आप ये सब कर लेंगे। पहले इतना ग्राफ बनाइए जल्दी से। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं अगर हम हैं किसकी, प्रॉपर नाउन की, तो इसको समझना अच्छे से। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन का मतलब यहाँ पे होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को, क्या, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब कि द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा इंग्लिश में डिफिनेशन? नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉपर नाउन में, समझना। बात कर रहे हैं किसकी हम लोग? पर्सन की। किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन की। उसके बाद बात कर रहे हैं किसकी? प्लेस की। इसके बाद बात कर रहे हैं किसकी? थिंग्स की। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकुलर चीज़ों की बात करेंगे वो होगी कैसी? पार्टिकुलर होगी, विशेष होगी, खास होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अगर राम लिख दिया, मैं यहाँ पे श्याम लिख दिया, मैं यहाँ पे करण लिख दिया, मैं यहाँ पे जो है कि ये व्यक्ति में आ रहे हैं सारे, है ना, मैं यहाँ पे जो है कि सीता लिख दिया, मैं यहाँ पे गीता लिख दिया, क्या लग रहा है? किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है? हम एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका नाम राम है, जिसका नाम श्याम है, जिसका नाम करण है, सीता है, या फिर क्या है, गीता है। मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? एक विशेष प्रकार के व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पे अगर आपकी भाषा में और सरल भाषा में सिंपली अगर आपको समझाना हो तो एक बात समझ लीजिए कि किसी भी आदमी का नाम ले लेंगे, किसी भी आदमी का नाम ले लेंगे, किसी औरत का नाम ले लिया, किसी लड़के का नाम ले लिया, तो वह जो नाम हम ले रहे हैं वह नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है। वह नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है। बात समझ में आई? अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी जानवर का भी नाम रख देते हैं। जैसे कुत्ते का नाम रख देते हैं जेम्स, कुत्ता का नाम रख देते हैं टोनी, बहुत फेमस नाम है जो कुत्तों का, है ना, टोनी नाम रख दिया, शेरू नाम रख दिया, घप्पू नाम रख दिया, झब्बू नाम रख दिया, ऐसा नाम रखते हैं कुत्तों का, ठीक है ना। अच्छा, कुत्ते का नाम सनी, ठीक। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम जानवरों का भी तो नाम रख देते हैं, तो जानवरों का नाम रख दिया तो वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये पर्सन में ये सब आ जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं प्लेस की। तो देखिए, प्लेस में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? जितने भी स्थान हैं उन सभी का नाम ले लीजिए। जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, ये सारे नाम। तो यहाँ पे कुछ नाम हम लोग लिख लेते हैं, जैसे गोवा, जैसे मैं चेन्नई, जैसे मैं हमने लिख दिया कोलकाता, जैसे मैं हमने कह दिया मुंबई, जैसे हमने कह दिया दिल्ली, जैसे हमने कह दिया लखनऊ, ठीक है, जैसे मैं और क्या लेंगे, वाराणसी, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? एक विशेष प्लेस हो जाएंगे। और ये सारे के सारे आ जाएंगे किसमें? तो ये सब आ जाएंगे यहाँ पे प्रॉपर नाउन में। क्लियर है? अब बात करते हैं थिंग्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का अगर आपने नाम ले लिया तो वह हो जाएगी क्या चीज़? प्रॉपर। और वस्तु का नाम, जैसे मान लीजिए कि अभी ये फिलहाल मार्कर है, ये मार्कर है, तो सिर्फ मार्कर कह रहे हैं तब तो कॉमन नाउन। लेकिन अगर इस मार्कर का कोई नाम है, अब इस पर तो कोई नाम लिखा ही नहीं है, ठीक, अरे नीला मार्कर नहीं, इसका कोई नाम होना चाहिए। जैसे आप लोग कोई पेन लिए होंगे तो उस पेन पर नाम लिखा होगा कोई, क्या नाम लिखा है? जैसे मैं कोई एक कलम दीजिए मुझे जिस पर नाम लिखा हो, लोकल वाली नहीं। अभी देखिए, ये जो कलम है, सिर्फ पेन कह देंगे, सिर्फ क्या कह देंगे, पेन कह दिए तो यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पेन का नाम ले लिया, पेन का नाम है विन विन एक्सटीन, है ना,
तो यहाँ पे इसका नाम ले लिया, मतलब कि यहाँ पे विन स्टीन पेन, अब ये कह दिया तो ये हो जाएगा कौन सा नाउन, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ये भी तो एक वस्तु है, तो सिर्फ आप जैसे बुक है, सिर्फ बुक कहेंगे तब तो कॉमन नाउन, लेकिन बुक का नाम ले लिया, जैसे गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, रामायण हो गया, महाभारत, ये किताबें हैं ना, इनका नाम ले लिया तो ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। बात एकदम क्लियर हुई है कि नहीं? एग्जांपल कुछ दे दिया जाए, देखिए द रामायण, ठीक, तो ये इस तरह से हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। बात एकदम समझ में आ गई है? आगे चलें, आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, कॉमन नाउन की। तो हेडिंग डाल लीजिए कॉमन नाउन, और समझते हैं कि कॉमन नाउन किसे कहेंगे। ठीक, चलिए जल्दी कर लीजिए इसको, पहले ये सब नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। सुनो, देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी, कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे संज्ञाएं जिनसे क्या हो, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के समस्त जाति का बोध हो, जिनसे जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कॉमन नाउन कहते हैं। इसकी इंग्लिश में परिभाषा क्या हो जाएगी, द नाउन दैट डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग्स, द नाउन दैट डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। समझ में आई बात? यहाँ पे जैसे आपने देखा था कि कोई विशेष व्यक्ति था, जैसे राम था, लेकिन अगर राम को हम कह दें कि वो राम बॉय है, तो बताइए बॉय से क्या सिर्फ राम का बोध होगा कि सारे लड़कों का बोध हो जाएगा, जितने लड़के सबका बोध हो जाएगा ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा था प्लेस में, तो प्लेस में हमने गोवा कह दिया, तो हम सिर्फ एक ही स्पेशल स्थान की बात कर रहे हैं, और वह स्पेशल स्थान कौन था है, गोवा है। लेकिन अगर हम सिर्फ कहते हैं सिटी, तो ये कन्फर्म होगा क्या कि गोवा की बात कर रहे हैं, सिटी तो कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे बात ये है, अभी नीचे देखा था आपने किसके बारे में, बुक के बारे में, तो बुक में हमने गीता लिख दिया, तो इसका मतलब वहाँ पे पार्टिकुलर एक किताब की बात हो रही है, और वो किताब कौन सी हो जाएगी, गीता। लेकिन अगर सिर्फ हमने बुक कह दिया, तो क्या ये कन्फर्म हुआ कि हम गीता की बात कर रहे हैं, कि कुरान की बात कर रहे हैं, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये कन्फर्म नहीं हुआ ना। मतलब यहाँ पे जिन शब्दों का नाम लिया जाएगा, उनसे समस्त जाति का बोध होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने कह दिया बॉय, बॉय का मतलब इसमें सारे लड़के आ जाएंगे, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे यहाँ पे सोहन हो, चाहे कोई और हो, ठीक है। चलिए, तो बॉय हो गया, यहाँ पे गर्ल हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे टीचर हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, तो इस तरह की चीज़ें, प्रिंसिपल हो गए, ठीक, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, ये सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे, ठीक है, पर्सन में आ जाएंगे। अगर बात करते हैं प्लेस की, तो प्लेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें सिटी आ जाएगा, इसमें विलेज आ जाएगा, ठीक है, विलेज आ गया, इसमें टाउन आ जाएगा, इसमें आपका कंट्री आ जाएगा, क्या कोई इंडिया, इंडिया है, इंडिया है तो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, इंडिया है तो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर कंट्री है तो कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, समझ में आई। जैसे अभी यहाँ पे स्टेट की बात कर लेते हैं, स्टेट माने क्या होता है, राज्य, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश कह दिया, उत्तर प्रदेश कह दिया तो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, लेकिन सिर्फ स्टेट कह दिया तो कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। बात एकदम समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? चलिए, तो स्टेट हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी जिनसे कॉमन बोध हो, कॉमन मतलब किसी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती। थिंग्स की बात कर लेते हैं, जैसे पेन हो गया, अभी मैंने दिखाया था एक कलम, तो मैंने बताया था कि पेन का नाम है तो स्पेशल हो गया, उसका नाम जैसे विन स्टीन लिखा था उस पर, तो हो जाएगी प्रॉपर नाउन, लेकिन सिर्फ पेन लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन। पेन हो गया, यहाँ पे जो है कि बुक हो गया, यहाँ पे जो है कि टेबल हो गया, यहाँ पे जो है कि फैन हो गया, ठीक है, फैन भी होते हैं तो फैन का भी नाम होता है ना, वो नाम लिख कर अगर लिखा रहे फैन, तो वहाँ पे कौन सा नाउन, प्रॉपर, और सिर्फ फैन लिखा रहे तो कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही है? उषा का फैन आता है ना, तो उषा फैन लिखा है तो प्रॉपर नाउन, और सिर्फ जो है फैन लिखा है तो कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। बात एकदम क्लियर है? चलिए, तो ये इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पर और एग्जांपल अपने से आप लिख सकते हैं, अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो। यहाँ पे कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
क्लियर है ना। चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए और बाकी की चीज़ों के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।